हमने 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा आए थे ये रोड पे। ये अजय देवगन की ज्यादा फेवरेट है ना। सुन भाई, बोलने का टाइम हो गया। ये होटल को, ये होटल बना वही में बोला। होटल बहुत ही बेसिक था हमारा, बट ठीक है। ये होटल का सीधा रोड मेन रोड पे निकलता है। लकीली यू हैव अ गुड व्यू, ऐसा तुम्हें लग रहा हो तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो डियर जिंदगी में आपने देखा होगा वो रोड को, परा रोड शायद बोलते हैं उसको। उसके बाद हम लोग जाएंगे साथ गोवा। दिस इज फीडबैक जो मधु ये फील कर रही है हमारे चेकआउट के टाइम पे। लोग निकल गए, स्कूटी पे आ गए और मधु की हालत देखो। हाय मधु। हाय। ठीक है, अभी कहाँ पे? परा रोड है ना। किसका रोड है यार? कितना अच्छा वेदर हो रखा है, इतना कम धूप ना गई, मजा आ रहा है। स्टीम बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही वेदर का होप कर रहे पूरे रास्ते साउथ गोवा पहुंचने तक। एटलीस्ट हम लोग को यहाँ से 52 किलोमीटर कवर करने हैं, 2 घंटे में करना है 52 किलोमीटर। और ये स्कूटी का जो है ना शायद लॉक सिस्टम है, 60 के ऊपर जाती नहीं है यहाँ पे। चलो गाइस मिलते हैं, आपको दिखाते हैं वो रोड। मजा आया। हमने 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा आए थे ये रोड पे 500 मीटर के लिए बिकॉज ऑफ मधु। मधु शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है ना। लव यू जिंदगी, डियर जिंदगी करती रहती है, ये सभी करती रहती है। चलो अभी ये कैमरा बंद करता हूँ गाइस और सीधा हम लोग को यार ब्रेकफास्ट करना है, तो मैं 10-15 किलोमीटर कवर अप करूंगा पहले। उसके बाद हम लोग जब ब्रेकफास्ट करने रुकेंगे ना तो वहाँ पे मिलते डायरेक्ट, है ना मधु? बाकी तो वेदर तो ठीक है यार। चलो बाय बाय गाइस। मोस्टली जो प्लेस है ना ये अजय देवगन की ज्यादा फेवरेट है ना, रोहित शेट्टी की, रोहित शेट्टी सब है ना। चलो ये भी देख ही लिया फाइनली, है ना। ये पंजिम चर्च है, द ओल्ड गोवा। हाँ इधर सिम्बा की हुई है शूटिंग, सिंघम की थोड़ी सी हल्की सी शूटिंग हुई है। हुई है ना सबकी शूटिंग। साउथ इंडियन फूड की इतनी बड़ी फैन कैसे है कि इसको कहीं पे भी जाए डोसा और इडली तो पूरे दिन में चाहिए ही चाहिए रहता है। एक दिन में अगर 3 दिन से ज्यादा हम कहीं पे सफर कर रहे हैं और मधु को इडली डोसा ना मिले तो ये तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सेफ खाना भी, फिर इसका चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है ना। खत्म करते सिलसिला मधु। Wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all like God is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all. Okay, so
फाइनली कौन सा होटल है यार, मेरे को तो होटल के नाम ही भूल जाता हूँ, मैं इतने होटल घूम रहा हूँ ना। मैजेस्टिक इको कम्फर्ट्स, बहुत ही अच्छा होटल है यार, मतलब मजा आ रहा है। सब लोगों को अलग अलग वुडन का ऐसा कॉटेज दिया जैसे हम लोग का पीछे है। अरे ये तो मधु है, उसके पीछे देखो जरा, मधु को मत देखो, है ना। तो हम लोग अभी ठीक है गाइस, अभी नहीं, उसके पहले हम लोग आए, पैकिंग किया, थोड़े टाइम रेस्ट किए एसी में, फिर उसके बाद में अभी स्विमिंग के लिए निकल रहे हैं हम लोग। सनग्लासेस पहन के स्विमिंग पूल में क्यों जा रहा है ये आप लोग सोच रहे रहेंगे, नहीं बट मैं फोटो क्लिक करने आ रहा हूँ। हाँ, Say if those were toxic in my face, no way you don't want them. Yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. मजा आ गया, ये मजा मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली विजिट इको मैजेस्टिक इको कंफर्ट्स, इको मैजेस्टिक इको कंफर्ट, ये मधु को ही पता आता है सब। वन आवर लेटर, अभी हम जा रहे हैं द केप गोवा। केप गोवा ना, द केप गोवा, और हमें सनसेट तक पहुंचना है। ऑलरेडी 5:30 हो गया, 5:30 हो गया मधु, अपने को 6 बजे से पहले पहुंचना था वहाँ पे। क्या करे, कितना मिनट बता रहा था क्या उसमें, क्या 40 मिनट्स बता रहा, 40 मिनट्स बता रहा, तो कैंसिल करते फिर, पहुंच तो नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भागेंगे यार। चलो फटाफट चलो मधु, बंद कर दो ये, कुछ डायरेक्ट उधर ही मिलते हैं। ये पहुंच गए क्या, ये लोग इतना भीड़ है देखो ना, वही रहेगा। सुमो क्या भगाया यार तुमने, क्या भगाया, मजा आया ना बहुत। उससे एक बार करो, हो जाएगा। निकले गलत टाइम पे थे होटल से, होटल वालों ने मना ही कर दिया था कि भाई मत जाओ उधर, बट देन टू इतना फास्ट हमने राइड किया यार स्कूटी, और फटाफट हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। फोटो शूट पूरा, हाँ यस गाइस, क्या यार 3 बार तो झगड़ा हो गया हमारा फोटो शूट के चक्कर में, ये फोटो बराबर नहीं आ रही, ये फोटो बराबर नहीं आ रही, ऐसे नहीं आ रही, वैसे नहीं आ रही बोलती यार, सच में यार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए इससे। अभी क्या बात करूँ, मेरे को ही मनाना पड़ रहा है इसको भी। क्या कम, क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अभी अच्छी फोटो के लिए भी मुझे कुछ कहीं और जाना। अरे बाबा ये ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ यार, तुम मधु क्या है। 75 years later.